नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांशु और स्वागत है आपका आज किसी एक और नए वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए गए हूं न्यू हॉलैंड का स्पेशल एडिशन वाला ट्रैक्टर। अब स्पेशल एडिशन में कौन सा रहेगा, ये 3630 TX प्लस वाला ये ट्रैक्टर रहने वाला है। इसमें आप लोगों को देखो भाई, न्यू हॉलैंड का खुद वाला इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 3 सिलेंडर का रहता है, 4 स्ट्रोक की साइकिल में चलता है और टर्बो चार्ज रहने वाला है। तो आप लोगों को जो सीटी है ना, हाँ ट्रैक्टर की आवाज वाली सीटी, वो भी सुना देंगे। 55 HP की कैटेगरी में आ जाता है, 46 HP ये लोगों की पीडीओ पे निकाल देता है। तो बाकी ऑन फिनिशिंग अपन एक्सप्लोर करते हैं पास से। तो पास से एक्सप्लोरेशन के पार्ट को शुरू करते हैं, तो की ना दिखाएं ऐसा हो नहीं सकता, तो ऐसा कुछ कॉन्फिगरेशन कीज का देखने को मिलेगा इसमें। ये डीजल के टैंक के लिए और ये यूनिवर्सल हॉलैंड की देखने को मिल जाएगी ट्रैक्टर स्टार्ट करने के लिए। बाकी कॉन्फिगरेशन ऐसा है, सामने आप लोगों को न्यू हॉलैंड का लोगो देखने को मिल जाता है, फ्रंट में बढ़िया ग्रिल देखने को मिल जाती है और ऑलमोस्ट स्क्वायर फिनिश वाले आप लोगों को हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। ये देख के आप लोगों को लगेगा कि भाई ये ऑयल वाला एयर फिल्टर है, बट नहीं, ये ड्राई टाइप का एयर फिल्टर रहने वाला है। बैटरी बॉक्स फ्रंट में रहेगा, कंपनी के हिसाब से ही आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा वेट भी देखने को मिल जाता है। और फ्रंट की बात चल रही तो भाई देखो, ये फ्रंट वाली एक्सल्स हैं, सेंट्रली पिवट तो आती है ही, बाकी एडजस्टमेंट भी आप लोगों के लिए सपोर्ट करवा देती है, तो कुछ कॉन्फिगरेशन इसका ऐसा रहेगा ही। और अपन चलते हैं साइड से, तो साइड में आप लोगों को TX की ब्रांडिंग, 3630 की ब्रांडिंग, न्यू हॉलैंड की ब्रांडिंग जो कि आनी है, स्पेशल एडिशन की ब्रांडिंग, एग्जॉस्ट काफ़ी बड़ा है और प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। 12+3 UC गियर है, मतलब यूनिक गियर, आप लोगों को यूनिक गियर का भी दिखा देंगे क्या इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाला है। टायर्स की साइज़ यहाँ से बात कर लेते हैं, टायर्स की साइज़ में आपको फ्रंट पर देखने को मिले 7.5-16 वाली, कुछ ऐसी ग्रिप पैटर्न भी दिखा देते हैं। ग्रिप पैटर्न तो हमेशा यूनिक आता है ही, और आप लोगों को बढ़िया मोटाई वाली फ्रंट एक्सल देखने को मिलती है, जिससे लोड बेयरिंग्स अच्छी रह जाए। ये तो आप लोगों को सारे सिस्टम है ही, यहाँ पे ऑयल फिलिंग का मिल जाएगा आप लोगों को, ऑयल फिल्टर देखने को मिल जाएगा, अल्टरनेटर देखने को मिल जाएगा, 88 Amp पावर की आप लोगों को बैटरी मिल जाती है, वहीं पर आप लोगों को 45 Ampere का अल्टरनेटर भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारे सिस्टम इधर से पूरे कवर हो गए। ये आप लोगों को सिंगल क्लच में देखने को मिल रहा है और सॉफ्ट क्लच है, ये भी आपको दिखाएंगे, और डबल क्लच PTO के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। LED में ये सारी लाइटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। और भाई 25 ईयर्स न्यू हॉलैंड इन इंडिया। अब न्यू हॉलैंड तो आप लोगों को नाम सुनते ही पता लग गया क्या चीज़ है भाई। तो यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, पीछे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, बाकी ये जो कैनोपी लेक की आई है ये कंपनी फिटेड है, और साथ ही में रोल ओवर प्रोटेक्शन गार्ड भी इसी में इंटीग्रेटेड है, वो भी दिखाते हैं। बट रियर टायर की साइज़ बताते हैं, 16x28 की रियर टायर साइज़ मिलेगी, जो कि 12 ply रेटिंग के साथ आएगा। और ग्रिप तो आप लोगों को ट्रैक्टर टाइप जो एग्रीकल्चर में आता है उसका सेम देखने को मिल जाती है ही। पीछे न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर की ब्रांडिंग्स देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर आप लोगों को टेल लाइट्स वो की LED में रहने वाली हैं, ये भी देखने को मिल जाती हैं, और 6 साल की वारंटी। अब ट्रांसपेरेंट वारंटी कैसे मिलती है आप लोगों को, इसमें आप लोगों को 6 साल और 6000 घंटे की वारंटी देखने को मिलती है। अब वारंटी जो है ना भाई, वो ट्रैक्टर के साथ में रहने वाली है। अगर बाई चांस आप लोगों ने इस ट्रैक्टर को सेल कर दिया और किसी दूसरे ने बाई किया है इस ट्रैक्टर को, तो ये वारंटी ट्रैक्टर के साथ ही रहेगी, आप लोगों को जो ओनर डिपेंडेंट वारंटी इसमें नहीं देखने को मिलने वाली। इस साइड में वर्किंग लाइट मिल जाएगी, पीछे लाइसेंस प्लेट के लिए पोजीशंस मिल जाएंगी, और वर्किंग लाइट भी आप लोगों को ऑलमोस्ट यही स्क्वायर में फिनिश में ही देखने को मिलती है। लिफ्ट्स आ गए, तो भाई लिफ्ट काफ़ी बेहतरीन है इसमें, 2000 किलोग्राम का लिफ्टिंग फोर्स, प्लस आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा लिफ्ट 500 किलोग्राम भी एक्स्ट्रा एड ऑन कर देती है। उसी के साथ में यहाँ पर सारे आपको ट्रैक्टर्स की डिटेल और टायर प्रेशर्स के लिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। 24 लिफ्ट सेंसिंग पॉइंट्स हैं, तो 12 इसमें 12 इसमें, तो आप लोगों को 24 लिफ्ट सेंसिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। आगे से आप एडजस्ट भी कर सकते हो, और ये आपको लिफ्ट सेंसिंग के लिए है ही, काफ़ी अच्छी है। PTO का रहा, ट्रॉली हुक भी आप लोगों को एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, SSC भी देखने को मिल जाएगी जो कि क्विक कनेक्शन सपोर्ट करती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हुकिंग के लिए मिल जाएगा ट्रॉली में, अगर आप लाइट रखते हो, जो कि रिकमेंडेड है रखनी, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी ये चीज़ देखो आप, और अमूमन ट्रैक्टर्स में क्या होता है, जैसे इस टायर का सेंटर और एक्सल का सब एक सामने ही रहता है, बट इसमें आप लोगों को आउटबोर्ड एक्सल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको फर्दर पावर
बढ़ा देती हैं, और जो अपना ट्रैक्टर की व्हील बेस है उसमें फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। और कुछ वार्निंग ट्रायंगल्स, बॉटल होल्डर और टूल होल्डर्स वगैरह के स्पेसेस देखने को मिल जाएंगे। प्लास्टिक में ये रहने वाला है। ठीक है, आवाज़ है अपन इस साइड में, तो साइड में टायर तो वही साइज़ का है। बाकी आगे से यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों को रोटरी पंप मिलेगा फ्यूल के लिए, बॉश कंपनी का रहने वाला है। रोटरी सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि पावर और बढ़ा देता है भाई। टर्बो चार्जर तो है ही, रोटरी पंप मिल रहा है, साथ ही में आप लोगों को हाइड्रोलिक पंप्स मिल रहे हैं। पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, पावर असिस्टेड स्टीयरिंग देखने को मिलेगा जिसमें आप काम भी आसानी से होगा। अपने नीचे हाइड्रोलिक के फिल्टर्स मिल जाएंगे, डीजल वाटर सेपरेटर में देखने को मिल जाएगा, फ्यूल फिल्टर देखने को मिल जाएगा, और बाकी यहाँ पे सेपरेटर के साथ में फ्यूल ऑन ऑफ के लिए भी देखने को मिल जाएगा। ऑयल इमर्स ब्रेक्स हैं OIB जिनको अपन बताते हैं, लॉकिंग्स भी ये सपोर्ट कर देंगे, और लेग रेस तो काफ़ी अच्छी है। पार्किंग ब्रेक यहाँ पर मिलेगा। बाकी अब चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर। स्टेपर्स दो मिल रहे हैं आप लोगों को क्योंकि हाइट अच्छी है और प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। बाकी मेरे को तो गियर की डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि आप लोगों के लिए हाइड्रोलिक एडजस्टमेंट्स के लिए, बाकी ये आप लोगों जो लिफ्ट कैपेसिटी है ना उसको एडजस्ट करने के लिए, और आर्म रेस्ट वाली आप लोगों को न्यू हॉलैंड की सीट मिलती है, काफ़ी आरामदायक सीट रहने वाली है। गियरिंग की बात करेंगे ऊपर से, काफ़ी बढ़िया आप लोगों को स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल रहा है भाई। इसकी जो डेप्थ होती है ना वही इसकी खासियत होती है। तो इसमें आप लोगों को भाई देखो बीच में मीटर की मिल जाएगी CNH की ब्रांडिंग, जो कि इंडिया लिमिटेड का ये ट्रैक्टर रहने वाला है, न्यू हॉलैंड की ब्रांडिंग से। और इसमें आप लोगों को डिजिटल हावर मीटर देखने को मिल जाएगा, बाकी सारे मीटर आप लोगों को एनालॉग देखने को मिल जाते हैं। 2100 RPM पे ये रेटेड है, 540 का यहाँ पे साइन आ गया, बाकी 540E। इसमें आप लोगों को फॉरवर्ड और रिवर्स मतलब ग्राउंड PTO देखने को मिल जाता है ही, यूनिट स्विच मिल जाता है सारे कंट्रोल्स के लिए, हॉर्न भी यहीं पे है, लाइट भी यहीं पे, इंडिकेटर भी आप लोगों को यहीं देखने को मिल जाएगा, हैंड रेस देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोगों के लिए जो DRL है उसके लिए एक स्विच भी देखने को मिल जाता है। और क्या चीज़ आप लोगों को चाहिए वहाँ पे, वो चीज़ है लेग रेस है। बाकी आप लोगों को 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लो हाई मीडियम 3 गियर आप लोगों को न्यूट्रल के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें क्या आएगा भाई, जो मीडियम वाला गियर है ना ये यूनिक गियर न्यू हॉलैंड ने इसमें दिया है। बाकी PTO के लिए क्लच ये रहा, ठीक है, और PTO के लिए लेवर ये रहा फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए, एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएंगे। इस साइड में आप लोगों को सारे हाइड्रोलिक लिफ्ट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं ही। इसमें आप लोगों को एक और चीज़ अच्छी मिलती है, वो है ये वाला स्विच, यहाँ पे लगा दिया, इससे ऐसे हटा दिया। अब ये क्या चीज़ करेगा भाई देखो, ये सबसे ज़्यादा काम आता है ना, इससे तो एक बार सेट कर दिया, ये उठाने और रखने के वापस काम आता है। तो ये वाला जो स्विच है ना इसको भी एक बार एडजस्ट कर दो कि हाँ मेरे को इतनी उठानी है और वापस रखनी है, और इसको तो सेट आप करके छोड़ते हो ही। फिर क्या करना आपको, अब उठाने के लिए प्रेस किया, ठीक है, और वापस रख लगाने के लिए आप किया। अब इसमें जोर आता है, इसमें आप लोगों को जोर नहीं आएगा, बाकी ये आप लोगों के ट्रॉली के लिए तो एडजस्टमेंट आ ही गया। और जो ये रोल ओवर प्रोटेक्शन गार्ड है ना वो नीचे जाके आप लोगों को एक्सल पे माउंट है तो बढ़िया प्रोटेक्शन देगा, बाकी फेंडर भी माउंटेड साथ में ही है तो और भी अच्छी प्रोटेक्शन दे देगा। लिफ्ट ऑटोमेटिक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे है क्योंकि लिफ्ट इस साइड में है। टर्बोचार्ज आप लोगों को इंजन देखने को मिलता है, तो इसके कुछ आप लोगों को रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। अब बात आती है इसके और फीचर्स और आवाज़ सुनाने की, तो वो भी जल्दी से सुना देते हैं। चलो, इस ट्रैक्टर में भाई आप लोगों को सीट बेल्ट का कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाता है, तो भी काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो ट्रैक्टर अमूमन जैसे जंप मारता है ना भाई, ये सीट बेल्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला, आप सीट से उछलोगे नहीं, बाकी सीट तो आरामदायक है ही। जो उसका टैंक रहने वाला है ये 60 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आएगा, और फाइबर का टैंक रहेगा भाई। और फाइबर के टैंक की दो आप लोगों को खासियत देखने को मिल जाएंगी, एक तो ये है कि इसमें आप लोग जंग नहीं मिलेगा, और दूसरा जैसे धूप में खड़ा रहता है तो जो उमस से वेपर बना देता था वो वाली भी फाइबर के टैंक में दिक्कत गायब हो जाती है। तो ट्रैक्टर के रिव्यू चल रहा है और आवाज़ ना सुना ऐसा हो नहीं सकता, तो सर अपने बैठे हैं, स्टार्ट करवाते हैं और आवाज़ सुनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप की आवाज़ आ चुकी है आप लोगों के लिए, थोड़ी टर्बो की आवाज़ भी सुना देते हैं। तो ये थी इसके आवाज़ की एक क्लिप, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो भाई आरामदायक सीट तो काफ़ी अच्छी है रहने वाली है, ऊपर कैनोपी आपको धूप से वगैरह से भी प्रोटेक्ट करेगी, और कंपनी ये चीज़ आप लोगों को साथ में देती है।
अब आ जाते हैं इस आरामदायक सीट से थोड़ा नीचे पर, एक क्लच की मूवमेंट दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। इतना इजी इसका क्लच रहने वाला है, मैं अभी तक जितने ट्रैक्टर रिव्यू किए हैं सबसे इजी मेरे को इसका क्लच लगा है। तो अभी इस पर और डिटेल्स भी बता देते हैं। दो स्टेपर्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, फ्रंट टायर 7.5 आप लोगों को मिलने वाला है ही, बाकी ये आप लोगों को मिल जाता है 55 HP कैटेगरी में, 46 HP ये PTO पे निकाल देता है, बाकी 11 से लेके 13 किलोमीटर पर लीटर की राउंड ट्रिप जो हॉलेज वाली ट्रिप होती है उसमें अमूमन एवरेज भी प्रोवाइड करवा देता है। अगर इसकी GVW की बात करें तो 2195 किलोग्राम GVW मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी खासी मिलने वाली है, 505 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये आपको प्रोवाइड हो जाता है। फ्रंट में आप लोगों को पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, पीछे आपको आउटबोर्ड एक्सल्स टाइप के कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं, ड्राई एयर टाइप फिल्टर मिल जाता है, लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए ही आप लोगों को ऑयल टाइप वाला देखने को मिल जाएगा, बैटरी वगैरह आपको फ्रंट में मिल जाती है। अब आप लोगों को एक चीज़ चाहिए, वो है इसकी प्राइसिंग, 10.5 लाख की अमूमन एक शोरूम प्राइस पर अवेलेबल हो जाता है, बाकी हमारे जो लोकल डीलर्स हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं कि एग्जिट प्राइसिंग क्या पड़ेगी और आप लोगों को क्या बढ़िया ऑफर्स मिल सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को बाइक का लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना ये वीडियो कैसा लगा और कौन से आप लोगों को वीडियो चाहिए वो भी आप लोग उसमें बता सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।